नमस्कार मतांतर को स्वागत करुछी मु स्मृति लग्ना। दर्शक बंधु झारसुगुड़ा बीजेडी विधायक तथा पावरफुल मंत्री नवकिशोर दास वर्तमान पावर रे अछंती ठीक कथा, किंतु तांकर राइट हैंड कुहा जाउथुबा जांकर ना हेउछि विश्वनाथ त्रिपाठी, से सरकारी कर्मचारी को गाली गुलज करुछंती, ता सहित अश्लील भाषा मध्य व्यवहार करुछंती। ए अभिजोग जेतेबेले सामना को आसिला ए वीडियो एवं ऑडियो मध्य वायरल होइतिला। अभिजोग आनिछंती झारसुगुड़ा ग्राम रोजगार सेवक संघर सभापति राधेश्याम साहू, जे मंत्रींकर राइट हैंड कुहा जाउथुबा विश्वनाथ त्रिपाठी बारंबार सरकारी कर्मचारी सहित गाली गुलज करबा सहित खराब व्यवहार करुछंती एवं बारंबार ए प्रसंग सामना को आसुची, काहेकि जिला प्रशासन चुप रही। ए बाबद रे में आलोचना करबा। मो सहित रहिबे टंकधर त्रिपाठी बीजेपी नेता, अनंत महांती बुद्धिजीवी, सियाराम दास कांग्रेस नेता। समस्त को स्वागत करुची अर्गस न्यूज को। प्रथमे श्रीजुक्त सियाराम दास आरंभ करबा पई चाहिबी, किभळी देखंती आपण ए प्रसंग को। पूर्वरु एमिति घटना सामना को आसीथिला जोठी स्त्री सरपंच एवं स्वामी माने से पावर रे बलियान होइछंती, अन्य मानकु दुर्व्यवहार करुछंती। वर्तमान ये आउ एक चित्र जोठी मंत्री राइट हैंड कहा जाउथबा व्यक्ति जनक सरकारी नेता मानकु बा सरकारी कर्मचारी मानकु एभली दुर्व्यवहार करथबा देखिबा को मिलुची, काहे कि रतु मैडम गोटे कथा कहबे, जत्ते बेला कोनोसी व्यक्ति कोनोसी नेता बहुत पावरफुल होई जांत, से समय रे तांकर असुरी प्रकृति जागृत हुए। वर्तमान रो जो झारसुगुड़ा रो विधायक अछंति एवं ओडिसा रो स्वास्थ्य मंत्री अछंति, से ओडिसा रो जणे हाई वोल्टेज नेता बोले गणतिरे आसुछंति। सेथि पई तांकर जो विश्वनाथ वर्तमान जो वीडियो वायरल होईछि, से वीडियो को बहुत मु टेक्निक करी सुनी छी, से थरे दुई तीन टा पॉइंट मु कहबा को चाहू छी, जे ते तांकर मेरे कहि छंती फोन ने धमक देवा समय रे कहि छंती, जो हमर जीआरएस अछंती राधेश्याम साहू, तांको से धमक दे कहि छंती पावर देखै दे नहीं, ता गोटे बहुत इम्पोर्टेंट आ बहुत गोटे माने सेंसिटिव इशू, किंतु विश्वनाथ बाबू के पाखरे कोन पावर अछि से देखेबे। विश्वनाथ बाबू के पाखरे पावर कोन अछि? मंत्री नव दास कर राइट हैंड कहा जाउछि, जेहेतु मंत्री को सहित आपण मिसुछंती, मंत्री को पावर को आपण को पावर हिसाब रे ग्रहण करबे एवं जो सरकारी कर्मचारी अछंती समान को आपण दुर्व्यवहार करबे, ए अधिकार आपण को देला किए? झारसुगुड़ा रे जो दिन नव दास राजनीति रे पाद देले, से दिन ठू विश्वनाथ त्रिपाठी नव दास अंकर अति गरीब लोक अटंती, एवं से जहा करिवे नव दास कमिजे ताहा करिवे, तांक भीतर कोनोसी पार्थक्य नाही। अपन देखंतु विगत दिन रे बहुत गुड़ाए घटना है, अपन सरकारी कार्यक्रम रे अपन सुनी थे न्यूज रे मध्य आसी थिला, जे दीपाली दासंकर फोटो दे एवं तांकर दलर बैनर रे सरकारी कार्यक्रम सब होय अछि, जहार बहुत विरोध है थिला। अपन देखन तो सोढ़ा माल जमी लीज मामला, शिवरामपुर जंगल इशू, आपणकर हीराकुड डैम रे तांकर झियो जो पर भाव रे बेआईन भाव रे बसे जहा करथिले, ए सब सीधा सड़क भाव रे जणा जाउ छे जे नव दास सरकार एवं प्रशासन ऑफिसर मानक उपरे उपरे भाव रे चाप पके काम करु। अज्ञा ए चाप रहुचि के नाही से कथा तो मु जाननी, किंतु चाप बोधे रहुचि एथि पई कारण वर्तमान सुधा प्रशासन चुप रहिचि एवं जेतेले पूरा ऑडियो वायरल होइचि, पूरा घटना चर्चा को आसीचि, ता परे प्रशासन चुप रहिबार कारण कोन ता तो बुझा पडुनी। ए बाबद रे अधिक सूचना पई बा आलोचना पई अनंत महांती को पाको जिबा को चाहिबी, बुद्धिजीवी आम सहित जोड़ी होइचंती। श्रीजुक्त महांती, पूरा घटना को आपण केमती देखंती? गोटिए कथा
जे पूरा ऑडियो वायरल हैला ता परे जिला प्रशासन कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबार थिला ए आशा करा जाउतिला किंतु जिला प्रशासन काहे कि चुप रही छि विश्वनाथ बाबूंकर अधिकार कोन रही छि से सरकारी कर्मचारी को काहे कि दुर्व्यवहार करिवे 2019 निर्वाचन परठु एही टर्मटा बोधहुए नवकिशोर दासंक पई गोटे भलो समय नुह से कौनसी ना कौनसी क्षेत्र रे गोटे सर्वदा चर्चित हो रही जोटा कि कह सुक्षेत्र नुह कुक्षेत्र कोरोना क्षेत्र में सेमती रे झीओ क्षेत्र में रे वर्तमान से निजर कर्मी मान द्वारा अपदस्थ होगा आरंभ कले जे जोटा कि रही किचकर मैंने विराटर बाहुबले किचकर राजा किचकर बाहुबले विराट राजा भली सी बर्तमान ये काम कर जो त्रिपाठी महोदय जे कि विश्वनाथ त्रिपाठी मुझे शुणुली से ऑडियो से जो भाव जीआरएस राधेश्याम साहू को धमक दे सते जमी राधेश्याम साहू त्रिपाठी विश्वनाथ त्रिपाठी पर गोटे चाकरी कर घरे हलिया भली कार्य कर बोधे से व्यवहार कर भूली जाइंटे से जन राज्य सरकार कर्मचारी राज्य सरकार जो भाव नीति नियम रही मानवे जे एम निर्देश एम अंगुर चाड़न सरकारी कर्मचारी मैंने काम करेंगे यहाँ है से शासक दल रोटे आईडियोलोजी ओके नवकिशोर दास को प्रतिक्रिया पचरा जाइथिला एवं नो कमेंट्स बोली कहि कि उठि कि पळैथिले ये तांकर नैतिक दायित्व नुह कि जेतेबेले आपणक पाख लोक विरोध रे अभिजोग आसुची ऑडियो वायरल होउची आपण गणमाध्यम सामना रे स्पष्टक्ति रखिबे लोकक सामना रे स्पष्टक्ति रखिबे अनैतिक अनैतिक कार्य करथुबा नीतिहीन व्यक्ति पई नैतिकता बोली कोन गुटे अछि कि से शब्द तो गोटे हास्यास्पद कथा जहाँ पाखे जी नैतिक व्यक्ति ताकि से नीतिकता कथ अच्छी एणु से जानते ये तो अनैतिक कार्य एवं से तो निजे नीतिहीन व्यक्ति एणु आपे आपे से एड़े चलीगले बहु समय आप देखी से जो भाव निजर दबदबा को जाहिर कर गोटे पार्लाल गवर्नमेंट से यहीपाई तो गोटे जोटा कि समांतरल सरकार मानने नवदास सेठाकर सरकार जेतेबेले कि राज्य सरकार मध्य विगत दिन में पारे ऑटोमेटिकली नवदास पाखे सरेंडर हो जाइंट एणु नवदास कर्मी मैंने निजक से भावुं हे तो ओडार गोटे से सर्वबृहत और गुंडा श्रेणीर लोक एवं राज्य सरकार सत्य जमी से सर्वे सर्वा बोली चिंता करी जिलापाल को बाबद अवगत कर जिलापाल जानते तथापि जिला प्रशासन चुप रही परवर्त समय जिते 5G सरकार बोली आप निजक कहते ट्रांसपेरेन्सी कथा कथा सामना को आसुची से लोक अभियोग को किभली ग्रहण कर जो कर्मचारी जनक अभियोग कर ऑडियो देला परे ऑडियो वायरल हैला परे कौन से कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउना एवं ये तो मंत्री नुहंती ये तो मंत्री को पाख लोक पूर्व आम नजर देखीचु जे अनेक नेता मंत्री को पुलिस सुरक्षा देउची किंतु तांको पाख लोक को भी सुरक्षा देउची एवं ये चेन घर आरंभ कर बाहर पर्यंत लागीची तेबे अभियोग पई लोक माने वर्तमान कहा पाखु जिबे प्रशासन तो चुप पुलिस तो प्रशासन हाथ बारिश साजिची नहीं जिलापाल तो सेठाकर निर्वाचित तो प्रतिनिधि नुहना से राजनीति करेंगे ना जदि राजनीति वर्तमान से राजनीतिक एजेंट भाव कार्य कर कान को शुणा जाऊनी प्रकृत में से निजर नीतिगत तो, नीति अनुसार चाकरी कर समय जहाँ शपथ खाई से अनुसार कार्यक्रम जब ग्रहण करते हैं आज राधेश्याम साहू जो प्रकार अभियोग आनी तथ्य प्रमाण सहित ता घूरी बुलू गणमाध्यम से जिलापाल असहाय भाव नीरव रहा अति माने गणतंत्र प्रति विपदर कथा रही आउ जिलापाल निजे अनुभव करने दरकार कर्मचारी जने जी कि पंचायत स्तर काली पर दिन आपतर्क निजे राज्य सरकार कही पंचायत विकास करुच्ची पंचायत विकास कथा जीआरएस संपूर्ण रूपे निर्भर सेठाकर प्रति कथा से लोकों पाखे पहुंचेब तृणमूल स्तर शेष धाड़ी सरकारी कर्मचारी है जीआरएस जदि जीआरएस को तार प्रकृत कार्य निरपेक्ष भाव करने को दिजिव ना ताहले सही जिले में विकास किभली भाव पहुँच पंचायत स्तर शेष धाड़ लोकों पाखे एणु यहाँ गोटे मानने अहंकार आत्मगर्व एवं गोटे जोटा कि संपूर्ण रूप बेखातरी पणिया कहजे निजे मंत्री
सही कथा को अनुभव करिया कथा एवं जो 5T कथा कहते से 5T रो जो आप विश्लेषण कले से 5T रो संपूर्ण विश्लेषण यहाँ तार गोटे दृष्टांत यहाँ हिं 5T यहाँ हिं ट्रांसफर्मेशन यहाँ हिं टेक्नोलोजी यहाँ हिं तंकर ट्रांसपेरेन्सी एणु नथिंग इज देयर सेठी कौन सी प्रकार टी काम करूना यह संपूर्ण रूपे गोटे 5टी ठक व्यवस्था भाव में ग्रहण कर एक कथा कौन 5T सचिव पाखे पहुँचनी कि जे जो ऑडियो भाइराल होला विभिन्न गणमाध्यम बाजिला एक एक कौन 5T सचिव पहुंचना मुख्यमंत्री सियाराम दास फेरिया चाहिए श्रीजुक्त दास जिते मामला वर्तमान समय देखु जो नेता मंत्री अंगु उठूर तो पुलिस हाथ बारिश साजिश पुलिस चुप रही कि जिलापा वर्तमान परिस्थित नीरव रोचान एवं जिलापा तो लोक मैंने भोट देना से तो कौन से राजनैतिक दल काम करना सी एटलिस्ट नैतिक दायित्व निभे कथा जदि अभियोग जिलापा पर्यटन तबे वर्तमान सुधा कहीं एक्शन करा जाए ना वर्तमान सुधा कहीं तदंतर निर्देश दिया जाए ना ऑडियो तो वायरल होई ना ऑडियो तो प्रति लोक पहुंची ए कथा को लेकिन लोक माने प्रश्न उठाऊ श्रीजुक्त सियाराम दास जनप्रतिनिधि रूपे सरकार काम करे आ गुटे एग्जीक्यूटिव साइड आ गुटे एग्जीक्यूटिव साइड ता तो ये दोहे सिस्टम ता ठीक भाव रे पैरेलल भाव रे काम करे देश रे शासन व्यवस्था एवं सरकार सरकारी कार्यक्रम सब चेष्टा करुच्छ सियाराम दास का सहित तो जोड़ी हाबा किंतु ये प्रश्न उत्तर अनंत महांती जानवाप चाहिए श्रीजुक्त महांती बारंबार एमती घटना आम राज्य में घटी चली महांगा डबल मर्डर कथा कहतु आप परी कथा कहतु प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान समय देखा जाऊँ नेता मंत्री प्रश्न उठू से तदंत अटकी जादंत पूर्णच्छेद पड़ जा पुलिस हिसाब से कम करता मंत्री हिसाब से कम कर साधारण लोकों पर कह ना वर्तमान परिस्थित जिलापा चुप रोचान्ति अनेक घटना रे जिलापाल कैमरा सामना को आसीबा को मना कर दउछन्ति तो लोक माने आस्था एवं अभिजोग कहा पाख को नेकि जिबे आस्था कहा ऊपर देखेबे अभिजोग कहा पाख को नेकि जिबे ने प्रभु जगन्नाथ ही भरोसा वर्तमान ओडिसा वासी को ऊपर एठी पुलिस और प्रशासन बोली कोनोसी गुटे जनिस लोकों पर सेवा रे अच्छी बोली आपण भूली जिबा को पड़िबो एठी आपण देखंतु जो कथा आपण चिंता करथले जे साधारण लोकटे न्याय पे पुलिस और प्रशासन पाखु जिबो से पुलिस प्रशासन पाखु गले न्याय पाउ नाही एवं सेमानन को पाखरे जो कथा पाई पुलिस प्रशासन अछि ताहा करू नाहंती बोली काली भुवनेश्वर सीआरपीपी रे जो घटना घटिला से तार गोटे ज्वलंत दृष्टांत जो पुलिस गाड़ी आनी लोक को बाड़ी रक्ताक्त करिबा एवं गाड़ी भितर हत्या करिबा बीच भुवनेश्वर मुख्य रास्तार यार कारण कौन यार कारण है पुलिस उपर भरोसा तुटी जा प्रशासन उपर भरोसा तुटी जा एवं एटि आप देखु जोटी तथ्य प्रमाण आधारगत भाव सबु थी जिलापाल निजर कर्मचारी को सुरक्षा देना काली सका आउ गोटे अघटन घटला पर कौन जिलापाल निद भांग कि आज जिला प्रशासन सरकारी कल एवं जोटा कि गृह विभाग यही कथार तत्परता प्रकाश करनी नव दास जन कर्मी ताको फोन माध्यम धमक देखते कथा घटला से राधेश्याम साहू जीवन प्रति आगामी दिन में विपद निश्चित भाव घटे संभावना चेष्टा कर गोटेपटे आप लोक कहते प्रत्येक कथाई प्रशासन आपखे अच्छी कारण ये सरकार कारण ये हूँ स्वच्छ सरकार अपर पक्ष अभियोग नहीं कि जिलापाल को अवगत कार्यानुष्ठान चुपचाप बसी जाइछन्ती नीरव द्रष्टा साजिछन्ती जिलापाल एवं पूरा घटनार ऑडियो वायरल हेला परे मध्यो किछि भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नहीं कारण से मंत्री को खास लोक सुनंतु नवकिशोर दास को मान्यवर मंत्री स्वास्थ्य विभाग जी अच्छा निजे मुख्यमंत्री डरुंच निजे विजु जनता दल डरुची सेठाकार जन जिलापाल किभरी भाव न डरिबे यह भी आप चिंता करवा दरकार किंतु जिलापाल महोदय एक कथा को मन रखा दरकार से निर्वाचित प्रतिनिधि नुहंती से संपूर्ण रूपे IAS पास होकर आसिक चाकरी करेणु निजर कर्तव्य को निष्ठार सहित तो पालन करवा दरकार लोकों न्याय देवा आवश्यकता रही अति बेसी रू बेसी हेले सेठू जिलापाल बदली हे आउ कौन टे अधिक हो IAS डिग्री टे गोटे पलेब कि एणु जीवन से जिलापाल महोदय बर्तमान नीरव न साजी
बधिरा न साजी गांधींकर तीन मांकड़ रूप न धरी अंतत पक्षे लोकंकर गुहारी सुनबा दरकार रहिछि एवं आस्थाभाजन हेबा दरकार रहिछि। ओके मु आसुले आपन को पाको सुजुक्त सियाराम दास ये गोटिए घटना नुह पूर्वरो अनेक घटना में देखिछु वर्तमान परिप्रेक्षी रे जिल्लापाल माने मध्य नीरव रहउछंती। आपण बाली माफिया केस कथा कहतु से केस रे मध्य जेतेबेले सरकारी कर्मचारी को ऊपर को बा आरआई को ऊपर को आक्रमण करा जाइथिला मरणांतक आक्रमण करा जाइथिला जलेश्वर रे सेतेबेले मध्य जिल्लापाल चुप रहिले। वर्तमान परिस्थिति रे अभिजोग आसुची जे काहे की एमिति व्यवहार करुछंती मंत्री को पाख लोक हेले किंतु मंत्री को पावर पोजीशन तो मंत्री को पाख लोक पाखरे नाही विश्वनाथ त्रिपाठी को पाखरे नाही तबे से को अधिकार रे एमिति खराब व्यवहार करुछंती तांकु से अधिकार किए देला जिल्लापाल काहे की चुप अछंती। निश्चित भाव महांति बाबू जो कहते ठीक कथा कहले नवकिशोर दास बीजेडी सरकार गोटे पावरफुल नेता अटंती नवीन पटनायक भी डरुछंती दल समस्त मंत्री माने डरुछंती गोटे पार्ट अन्य पार्ट को गले जो कथा अपन कहले नव दास को नवीन पटनायक मध्य डरुछंती को आधार रे डरुछंती काहे की डरुछंती आज नवकिशोर दास विभिन्न माध्यम रो बहुत टंका से रोजगार करछंती आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग अछि से चाहिले जे कोनसे दल को प्रभावित करि पारिबे। अच्छा सेथि पई आज नवीन पटनायक तांको डर भय करछंती। आ गोटे कथा कहबे जे आईएएस आईपीएस ऑफिसर माने काहे कि गोटे नेता को भय करै आमर महांती बाबू भल कथा कह तांको बेसी हेले ट्रांसफर हो आ जहाँ जो जगह भी ट्रांसफर हो से हेडक्वार्टर को जीवे किंतु कथा हेला जो ऑफिसर माने अपन जो ऑफिसर माने दुर्नीति रे संपृक्त रहिबे से माने नेता मान को डरे झारसुगुड़ा रे आज जहाँ ऑफिसर माने ट्रांसफर कर पोस्टिंग हो से माने कौनसी ना कौनसी प्रकार रे दुर्नीति रे संपृक्त अछंती से माने एठारे टंका आदाय करबा पय अछंती से निजे दुर्नीति रे संपृक्त रहिबे से आउ नेता को काहे कि भय करिबे ना सीधा सड़क भाव रे कारण एटा होछि जे ऑफिसर माने निजे दुर्नीति रे संपृक्त अछंते तेणु कर से नवकिशोर दास को भय करूछन। अच्छा मु आसी भी आपन को पाको टंक थरे त्रिपाठी बीजेपी नेता फोन लाइन नि जोडी होइछंती मो सहित श्रीजुक्त त्रिपाठी पूरा घटना को आपन केमती देखुछंती जेतेले मंत्री को राइट हैंड कोआ जाउतु बा विश्वनाथ त्रिपाठी गाली गुलस करुछंती ए बाबद रे अभिजोग आसुछी जिल्लापाल को मध्य अवगत करा जाउछी किंतु दुखर कथा ए कथा को केही गुरुतर सहित ग्रहण करु नाहंती ए अभिजोग को केही गुरुतर सहित ग्रहण करु नाहंती। देखंतु ये कथा आजि नहे ये कथा भारतीय जनता पार्टी आगरु मध्य अभिजोग करिछि एवं जहां लोकलोचन को भी आसी सारी ये राज्य रे कोनोसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं ये राज्य रे कोनोसी आईन श्रृंखला व्यवस्था नहीं आईन श्रृंखला व्यवस्था पूरा भुसुड़ी पड़ी जो सरकारी कर्मचारी विजु जनता दल कर्मी भाव रे काम न कला ताकू झारसुगुड़ा रे बंदूक मुनारे स्थापन चली निजे स्वास्थ्य मंत्री इंगित रे जहां कथा आज आलोचना होती विश्वनाथ त्रिपाठी होती एकांत अनुगत एवं जो भाषा से सी जन सरकारी कर्मचारी को गाली गुलज कर गोटे छोटिया कर्मचारी को एवं जिला प्रशासन ए पर्यंत ए जिलार मालिक जे प्रशासनिक अधिकारी जिलापाल महोदय ए पर्यंत एफआईआर रजिस्टर न करवा ये अत्यंत दुखदायक घटना खबर संग्रह करते घटना घटू अभिजोग सामना को आसुची ऑडियो वीडियो वायरल होची जेकोनसे घटना कहतु जिलापाल काहेकि कैमरा सामना को आसीबा को मना करुछंती किछ प्रतिक्रिया दबा पाई मना करुछंती एवं एमिती काहे की मनोभाव देखिबा पाई मिलुछि आपण तो कोनसे राजनीतिक दल को बिलोंग करंतिनी आपण होउछंती जणे आईएएस ऑफिसर एवं निजर जो दायित्व रहिछि ताकु नैतिकतार सहित निभेबा जिलापालक दायित्व नो कि आज्ञा जिलापाल माने एथि जे बिजु जनता दल रो जिला सभापति हेई परिवो से जिलापाल नहलो से जिलापाल माने हेले बिजु जनता दल रो जिला सभापति तांकर माध्यम रे बिजु जनता दल चलिछि से माने सीधा सीधा वाला रो ये कार्यक्रम होछि एवं जिलापाल माने बिजु जनता दल रो सभापति भाव रे काम करछंती एथिरे कोनोसी कोनोसी संदेह रो अवकाश नाही एथिरे
ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ପୋଲିସ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ଓଡିଶାର ସେଇଆ କଥା ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଯାହା ତାହା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେଇଦେବି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରେଇଦେବି କହୁଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ କର୍ମଚାରୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଡିଡିଆର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ନବ ଦାସଙ୍କ ଲୋକ, ଏଠି କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପରିବାର ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସେ ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଝାରସୁଗୁଡାରେ, କମ ସେ କମ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ଝାରସୁଗୁଡାବାସୀ ଦବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିକିରି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେହି ଦବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନବବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ଶାସନ ଚଲେଇବେ, ତାହେଲେ ଏ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ତ ଗୋଟିଏ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ଠୁ ବଡ କର୍ମଚାରୀ, ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳିଆ କାମ ନ କଲା, ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେନି, ତେବେ କରିବେ କଣ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଚାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା ଉପରେ ଚାଲିବା କଥା ଗୋଟିଏ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରା ହେଲା ବିଗତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକୁହା କଥା ଗୋଟେ କହିବି, ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତାର 60% ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, ଏଣୁ କୋବେର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନବକିଶୋର ଦାସ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠାକାର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେଠାକାର ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଡମ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ଏସବୁ ରହିଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ ତାକୁ କେଉଁଠି ସେ ଲୋକକୁ ହଜାଇ ଦେବେ, ବା ସରୋଜ ସେଠୀ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଇଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଆଣି, ତାହା କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ନବ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏଣୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବା ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କିଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ମାନେ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଉଛି ବେତା ବାସା, ସିଏ ହେଲେ ନବକିଶୋର ଦାସ, ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ଏଭଳି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ପାୱାର ପୋଜିସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦୃଢ଼ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜେପି ନେତା ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଆରାମ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସମୟ ହେଉଛି ମତାନ୍ତରକୁ, ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।